सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद सोशल मीडिया पर अब एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं बल्कि नेपोटिज्म की हद है। असल में सुशांत सिंह राजपूत का मूवी करियर कई सारे स्टार किड्स से कंपेयर किया जा रहा है। इन्हीं में से एक तस्वीर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अनन्या पांडे की। अनन्या पांडे को करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में लॉन्च किया था साल 2019 में, और इस एक पिक्चर से अनन्या पांडे को 3 अवार्ड्स मिले हैं, जी सिने अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड एंड बेस्ट फ्रेश टैलेंट अवार्ड। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी पिक्चर के लिए 3 अवार्ड। जबकि बात अगर सुशांत सिंह राजपूत की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत को काई पोचे के लिए, जो उन्होंने साल 2013 में की जबरदस्त हिट मूवी, कोई अवार्ड नहीं मिला। इसके बाद सुशांत ने 2013 में ही शुद्ध देसी रोमांस की, 2014 में सुशांत ने पीके की, लेकिन उसके लिए भी सुशांत को कोई अवार्ड नहीं मिला। 2015 में सुशांत ने डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की। सुपर डुपर हिट महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में सुशांत सिंह लीड के तौर पर नजर आए। साल 2016 में भी इस फिल्म के लिए सुशांत को कोई अवार्ड नहीं मिला। जबकि सुशांत की परफॉर्मेंस की चर्चाएं चारों तरफ थी, चारों तरफ सुशांत की सराहना की गई थी। इसके बाद साल 2017 में सुशांत ने राबता की, साल 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क, और साथ ही साथ केदारनाथ। केदारनाथ के लिए भी सुशांत को कोई अवार्ड नहीं मिला। 2019 में सुशांत सिंह राजपूत ने सोन चिरैया, छिछोरे और ड्राइव जैसी मूवी की। इन पिक्चरों में छिछोरे एक ऐसी पिक्चर थी जिसकी खुद बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने तारीफें की थी, लेकिन छिछोरे के लिए भी सुशांत को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। इसके बाद साल 2020 में सुशांत दिल बेचारा की शूटिंग कर चुके हैं। सुशांत के करियर की इन 12 फिल्मों में से एक भी फिल्म किसी भी अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की जूरी को ऐसी नहीं लगी कि सुशांत को अवार्ड दिया जा सके। क्या ये हैरानी की बात नहीं? 12 फिल्में और एक भी अवार्ड नहीं, जिसमें से कई पिक्चरें जबरदस्त हिट। दोहरा दें कि अनन्या पांडे ने साल 2019 में एक फिल्म की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और इस एक फिल्म के लिए अनन्या को 3 अवार्ड दिए गए थे। यहाँ कसूर अनन्या पांडे का नहीं है, यहाँ कसूर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बन चुके सिस्टम का है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।